हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एसआरके ब्लॉग 2.2 में। तो आप सभी को एसआरके ब्लॉग 2.2 की तरफ से न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और हम लोग आज जा रहे हैं घूमने वर्ष्णेय मंदिर का दर्शन करेंगे। तो आप सब देख सकते हैं हम लोग निकल गए हैं ऑटो से और हम लोग जा रहे हैं अब ऑटो से वर्ष्णेय मंदिर के लिए। हम लोग रहते हैं अलीगढ़ सिटी में और अलीगढ़ सिटी में एक फेमस मंदिर है वर्ष्णेय मंदिर, तो हम लोग उसी मंदिर पे जा रहे हैं दर्शन करने। और यहाँ पे क्या होता है कि 2 बजे के समथिंग स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो काफ़ी जाम लग जाता है। तो देख सकते हैं हम लोग कितने स्लो चल रहे हैं। और अब हम लोग यहाँ से उतरेंगे और हम लोग आ गए उतर के रोड पे। अभी क्या था कि मंदिर का जाने का था तो मंदिर पे क्या हुआ कि वो मंदिर अभी बंद था, वो इवनिंग में 5 बजे के समथिंग ओपन होता है। तो तब तक हम लोग का ये प्लान हो गया कि अब चलते हैं, यहाँ का एक छोटा सा पार्क है गांधी पार्क, वो घूम लेते हैं। और हम लोग आ गए गांधी पार्क और हम लोग गांधी पार्क आए। जैसे आए तो ओ भाई ये क्या, ये भी बंद है। और यहाँ पर भी हमें काफ़ी वेट करना पड़ेगा, आधे घंटे वेट करना पड़ेगा क्योंकि हम पहुँचे हैं 3:30 बजे के समथिंग। फाइनली 4 बज गया और गेट खुला और हम लोग आ गए पार्क के अंदर। देखिए मेरी मिसेज जा रही हैं। तो अब ये पार्क काफ़ी खूबसूरत पार्क है, बहुत अच्छा बना है। यहाँ पे क्या होता है कि मॉर्निंग में सुबह 6 से और 10 बजे का टाइमिंग होता है ओपन होने का और फिर इवनिंग में 4 से 10 बजे का होता है ओपन होने का। तो काफ़ी अच्छा पार्क बना रखे हैं। और यहाँ ये देखिए कितना अच्छा है ट्रैक, और इस ट्रैक पे, और ये देखिए सामने गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है और हम लोग जा रहे हैं गांधी जी की मूर्ति की तरफ। अब इधर देखेंगे, काफ़ी खूबसूरत बना है पार्क, हम लोग काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे इसमें। और ये देखिए आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा बना है गांधी जी की प्रतिमा यहाँ पे, शायद इस पर कुछ लिखा हुआ है, नज़दीक करके पढ़ते हैं। और ये देखिए, ये हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया और इस पर से स्लिप करने जा रही हैं और इस पर से आप स्लिप करेंगे। इनको अपनी बचपन याद आ गई है और ये इस पर से स्लिप करेंगी। और ये देखिए कैसे आ रही है नीचे, और ये देखिए बिल्कुल बच्चों के जैसे, अच्छा है। और ये देखिए फिर यहाँ आ गई है और इस पर से भी स्लिप कर रही हैं, और इनको स्लिप करके बहुत खुशी मिल रही है। फिर हम लोगों ने झूला एक साथ और झूला झूलते हुए हमने वीडियो शूट किया। काफ़ी दिक्कत हो रही थी, कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, बट मैं फिर से उतर गया और मैं बोला आप अकेले झूलिए, और फिर इन्होंने झूला और हमने इस पर चलने की कोशिश की। काफ़ी डर लग रहा था मुझे, लेकिन फिर भी मैं चला किसी भी तरह से और मैं इस पर मतलब चल लिया। ये देखिए मैं कैसे चल रहा हूँ, काफ़ी डर लग रहा भाई। अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाए। और ये देखिए भाई साहब, बहुत डर लग रहा था मुझे। और ये देखिए साइकिलिंग कर रही हैं पीछे। और देखिए इधर क्या है कि वॉक करने के लिए बहुत अच्छा बना रखे हैं पार्क में और काफ़ी लोग आते हैं इवनिंग में वॉक करने के लिए। और हम लोग तो ऐसे ही बस चले गए थे टाइम पास के लिए ताकि मंदिर का टाइम हो जाए खुलने का, तो हम लोग इसमें अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और अब जैसे टाइम होगा हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और यहाँ हम फोटो शूट कराने के लिए आए थे, तब तक ये कुत्ते के बच्चे आ गए और काफ़ी अच्छा लगा। तब तक ये उधर से बड़ा कुत्ता आ गया, हम तो डर गए बिल्कुल भी ये कहीं हमें काट ना ले, लेकिन ये ऐसा नहीं था।
और इसे लगा कि मैं कुत्ते के बच्चे को मार रहा हूँ या पकड़ रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं था और काफ़ी अच्छा लगा। और मैं, ये लोग हमसे दूर चले गए, काफ़ी बुलाने के बाद भी नहीं आ रहे थे। मैं काफ़ी देर तक ऐसे करता रहा और डर डर के आ रहे थे हमारे पास ये लोग, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। देखिए कैसे ये लोग डर रहे हैं हमसे, अब देखिए डर डर के कैसे आ रहे हैं। बहुत क्यूट लग रहे थे ये दो तीनों, ये देखिए कैसे आ रहे हैं हमारे पास। और हमने इनके साथ खूब मस्ती की और फिर मस्ती करके हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। और ये देखिए हम आ गए मंदिर पे, ये है वैष्णेय मंदिर, ये वैष्णेय मंदिर। और ये क्या, हम लोग आए और ये भी बंद। अब हम लोग टाइम से आधे घंटे पहले पहुंच गए, तो अब यहाँ पर भी हम लोग को आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। और हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर अब सीढ़ियों पर बैठ के, और आधे घंटे वेट करेंगे, मंदिर खुलने का इंतज़ार करेंगे। अब तक हम लोग यहाँ इंतज़ार करते हैं। एक अंकल जी ने बताया कि यहाँ 5 बजे मंदिर ओपन होता है और हम लोग 4:30 बजे के समथिंग यहाँ पहुँचे हैं। तो अब हम लोग यहाँ आधे घंटे वेट करेंगे, उसके बाद फिर मंदिर खुलेगा तो दर्शन करेंगे। और ये लगी है मेन दरवाजे पे मूर्ति। और ये मंदिर है, मैं बता दूँ, राधा कृष्ण जी की। और ये देखिए मंदिर ओपन हो गया और हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर। ये मंदिर के अंदर हम लोगों ने प्रवेश किया, वो भाई कितना अच्छा, क्या खूबसूरत मंदिर बना है। ये देखिए आप सब देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना है मंदिर। और सामने राधा कृष्ण जी की मूर्ति लगी है साइड में, बीच में सिर्फ कृष्ण भगवान की मूर्ति है। और इधर लेफ्ट में श्री राम जी और लक्ष्मण जी और सीता माता की मूर्ति लगी हुई है और ये पूजा कर रही हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बना रखे हैं लोग, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। यहाँ ये मंदिर हम लोग आगरा जब जा रहे थे घूमने, तो उस टाइम ये मंदिर हम लोग बस से देखे थे, तो उसी टाइम ये प्लान बन गया था कि इस मंदिर पे आना है घूमने, और तभी से प्लान था। और हम लोगों ने यहाँ आए 1 जनवरी को ही सोचा आने का, और हम लोग आए हैं दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करके यहाँ से निकलेंगे हम लोग कुछ खाने के लिए, तो हम लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी शांत माहौल है यहाँ का, बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है यहाँ पे। अरे हम लोग दर्शन अब कर लिए हैं, तब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर लग रहा है। और हम लोग निकल गए हैं, अब आ गए हैं कुछ खाने के लिए। और हम लोग खाने के लिए का प्लान ये है कि बर्गर खाएंगे आज हम लोग। तो हम लोग आ गए हैं द बर्गर कंपनी, ये पुराने बस स्टैंड के पास पड़ता है। और हम लोग जा रहे हैं बर्गर खाने, हम लोग चल रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर। हम लोग आ गए रेस्टोरेंट के अंदर, अब हम लोग अपना ऑर्डर करेंगे, जो भी ऑर्डर करना होगा करेंगे। देखते हैं कौन जाता है ऑर्डर करने। तो फाइनली इन्होंने जिम्मा उठाया ऑर्डर करने का और ये ऑर्डर कर रही हैं, और हम लोग बर्गर खा के यहाँ से निकलेंगे। तो आप सभी को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।